हे गाइस नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी बहुत ही अच्छे होंगे। प्रेगनेंसी में कैसे सोएं, कैसे नहीं, किस करवट ज़्यादा लेटना चाहिए, किस पोजीशन में ज़्यादा सोना चाहिए ताकि होने वाले बच्चे का जो विकास है वो अच्छे से हो सके, बच्चे को कोई भी दिक्कत परेशानी गर्भ के अंदर ना होने पाए, इसलिए प्रेगनेंसी में हर एक गर्भवती महिला को पता होना चाहिए कि सोने का सही तरीका क्या होता है और कैसे सोने से बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज मैं इस वीडियो में सारी बातें आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि और डेली आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी होता है ताकि गर्भ में बच्चे को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो पाए। पहली बात तो ये है कि प्रेगनेंसी में आपको पेट के बल और पीठ के बल कभी नहीं लेटना चाहिए। प्रेगनेंसी में पेट के बल लेटने से भी बच्चे को दिक्कत हो सकती है और कमर में दर्द की समस्या हो सकती है अगर आप पीठ के बल ज़्यादा लेटती हैं तो। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी का 7वां, 8वां, 9वां महीना यानी कि प्रेगनेंसी का 3rd trimester स्टार्ट हो जाए तब आपको पीठ के बल बिल्कुल नहीं लेटना चाहिए। हाँ, आप 2, 4 या फिर 5, 10 मिनट के लिए लेट सकती हैं लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं लेटना चाहिए। ज़्यादा देर तक लेटी रहेंगी एक ही पोजीशन में तो आपको कमर में दर्द की समस्या देखने को मिल सकती है और बेबी को भी परेशानी हो सकती है। सांस लेने में बच्चे को परेशानी हो जाती है जब आप पीठ के बल लेटती है और पेट के बल लेटती हैं तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आइए हम आपको ये बताते हैं कि प्रेगनेंसी सोने का लेटने का सही तरीका क्या होता है। दोस्तों, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी का 7वां, 8वां, 9वां महीना शुरू हो जाए तब से ही आपको हमेशा लेफ्ट पोजीशन में ज़्यादा लेटना चाहिए, ज़्यादा सोना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट पोजीशन में जब आप लेटती हैं, सोती हैं तो बच्चे तक भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचती रहती है, उसे सांस लेने में दिक्कत परेशानी नहीं होती है। और लेफ्ट पोजीशन में लेटने से होता क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, इसलिए हमेशा प्रेग्नेंट महिलाएं लेफ्ट पोजीशन में ज़्यादा लेटने की कोशिश करें। अगर आपको नींद नहीं आती है लेफ्ट पोजीशन में तो आप राइट करवट भी लेट सकती हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी है लेफ्ट पोजीशन में ज़्यादा लेटने की, ठीक है, ताकि बेबी को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर तक, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं लेटना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप लेफ्ट पोजीशन में पूरे टाइम लेटे रहेंगी, पूरी रात लेटी रहेंगी तो आपको दर्द भी हो सकता है, तो आप थोड़ा करवट बदल बदल के लेट सकती हैं, लेकिन ज़्यादा आपको लेफ्ट पोजीशन में ही लेटना है, ठीक है। तो यही होता है सोने का लेटने का प्रेगनेंसी में सही तरीका, यानी कि लेफ्ट पोजीशन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होती है। डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि महिलाओं को जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें लेफ्ट पोजीशन में ज़्यादा लेटना चाहिए, ठीक है। आपको एकदम से करवट नहीं बदलना है, झटके से उठना नहीं है, क्योंकि ऐसा करेंगे आप तो बच्चे के गले में गर्भनाल फंस सकती है। तो इन बातों का ध्यान और कोई भी दिक्कत परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।